स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप यू आर फाइन, यू आर वेल। गाइस, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एडवांस कोर्स की नॉलेज लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस नॉलेज को आप जो है शायद फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो में देखेंगे, जबकि आप रात दिन इसके सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि ऐसे सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। सो गाइस, लुक एट द बोर्ड। आर टुडे रूलिंग वी प्लस ऑलवेज प्लस वी आई एन जी, यानी एडवांस कोर्स की आज जो हम रूलिंग सीखने जा रहे हैं वो हमारा ऑलवेज जो वर्ड है इसके साथ है हमारी ये रूलिंग। एज यू नो, ऑलवेज मीन्स हमेशा। तो ये रूलिंग हम कब यूज करते हैं, ये हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाएंगे। सो गाइस, ध्यान रखें, बी मीन्स ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, इज, एम, आर, वॉच, वर, शैल बी, विल बी, दीज ऑल आर बी, इन शॉर्ट यू कैन से। यानी यहां हमने जो ये बी लिखा हुआ है, बी यूज नहीं करना है आपको, बल्कि बी का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी। सो व्हेन वी यूज दिस रूलिंग, कब हम इस रूलिंग को यूज करते हैं, तो उसके लिए गाइस लुक एट द बोर्ड। आइडेंटिफिकेशन और पहचान, यानी क्या पहचान होगी, क्या आइडेंटिफिकेशन होगी उस सेंटेंस में, जो आप तुरंत समझ जाएं कि हमें ये रूलिंग यूज करनी है। सो गाइस रिमेंबर, हमेशा प्लस रहता है, रहती है, रहते हैं, यानी हर सेंटेंस में आपके हमेशा दिया हुआ होगा, और उस हमेशा के साथ में एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य के अंत में या तो रहता है, रहती है, रहते आएगा, या रहता था, रहती थी, रहते थे, और रहता होगा, रहती होगी, रहते होंगे। रहता है, रहती है, मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। रहता था, रहती थी मीन्स पास्ट, और रहता होगा, रहती होगी मीन्स फ्यूचर। तो इस तरह से गाइस हमारी ये आइडेंटिफिकेशन है, यानी हर सेंटेंस में आपका हमेशा दिया हुआ होगा, और इनमें से रहता है, रहती, रहता था, रहती थी, या रहता होगा, रहती होगी, दिया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अब हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करें। तो गाइस ध्यान रखें, अगर सेंटेंस में लास्ट में रहता है, रहती है, रहते हैं दिया हुआ है, तब तो आप इस एम आर में से सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे, और यदि रहता था, रहती थी, रहते थे दिया हुआ है, देन यू हैव टू यूज वॉज और वॉज। इसी तरह अगर लास्ट में रहता होगा, रहती होगी, रहते होंगे दिया हुआ है, देन यू हैव टू यूज शैल बी और विल बी। तो इस तरह से गाइस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो आपकी लास्ट की जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपको इस बारे में बता देगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कौन से फार्मूला से जो है हम इन सेंटेंस को बनाते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस वी यूज इज, एम, आर, इज, एम, आर, जब, और वॉज, वर, रहता था, रहती थी, और शैल बी, विल बी, रहता होगा, रहती होगी, प्लस ऑलवेज, प्लस वी आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फार्मूला हमारा जो है आपको अप्लाई करना होगा इस रूलिंग के सेंटेंस बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, वह हमेशा हंसती रहती है, सी इज ऑलवेज लाफिंग। तो ऑलवेज देखो आपका है, शी के अनुसार आपने इज यूज किया, क्योंकि रहती दिया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे हमेशा गली में खेलते रहते हैं आया है, चिल्ड्रन आर ऑलवेज प्लेइंग इन द स्ट्रीट, Children are always playing in the street. Next, मैं हमेशा तुमको याद करता रहता हूँ, वही रहता हुआ है, हमेशा आपका दिया हुआ है, so I am always missing to you. इस तरह से गाइस आपने देखा कि हमेशा हर सेंटेंस में दिया हुआ है, रहता, रहती, इस तरह से दिया हुआ है, तो हमने इस फॉर्मूले को जो है अप्लाई किया। आगे बढ़ते हैं, वो हमेशा मुझे छेड़ता रहता था आया है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, हमेशा दिया हुआ है, सो ही वॉज ऑलवेज टीजिंग मी, ही वॉज ऑलवेज टीजिंग मी। नेक्स्ट सेंटेंस,
वे हमेशा क्रिकेट खेलते रहते थे। प्लूरल है तो दे वर ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट, दे वर ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह से आपका सेंटेंस बना। इसी तरह बच्चे हमेशा झगड़ते रहते होंगे, इस तरह से है। तो आप देख सकते हैं चिल्ड्रन विल बी ऑलवेज क्वारलिंग, चिल्ड्रन विल बी ऑलवेज क्वारलिंग, इस तरह से गाइस हमने देखा कि ये सेंटेंस बनते हैं। इसी तरह आप हजारों सेंटेंस इन सेंटेंस को देख के और इस रूलिंग को देख के बना सकते हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ से ऐसे ही सेंटेंस बनाकर इस रूलिंग को अप्लाई करें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे आप बिल्कुल इस रूलिंग में परफेक्ट हो सकें। सो गाइस छोटी सी रूलिंग, आपने शायद फर्स्ट टाइम ये रूलिंग देखी होगी, तो आप डेली यूज में जो है इन सेंटेंस को लें और ज्यादा से ज्यादा इस रूलिंग को अपने माइंड में उतारें। सो गाइस इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो आप तक कंटिन्यूअस पहुँचते रहें इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आप लाइक करते हैं उन्हें, तो फिर उन्हें लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। सो गाइस यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं और बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं।